देखो बेटो, सारी मिठाइयाँ अच्छे से रखियो, ठीक है मादा? मादा, ये क्या है, जहर की गोलियाँ? अरे कुछ कमीने लोग होते हैं ना, जो अपनी दोस्तों की बीवियों में हार मानना चाहते हैं, उनके लिए है ये। अच्छा, एक बात बताऊँ, ये दवाई ना ककासी ने तेरे लिए एक दी थी। ओह नो! सारा ककासी। और नई नवेली मिठाई की दुकान अच्छी लग रही। ओए बापा लग उसे। ये मिठाई को खावी लग रही है। अरे हाँ, वो मैं टुंटू मौसी के वहाँ से चुरा के लाया हूँ। सारा चोर। हाँ वैसे टुंटू मौसी तेरे को ढूंढ तो रही है, बोलिए जब भी वो मिलेगा ना, उसका हाथ और नन्नू दोनों काट दूंगी और उसके मुंह में घुसा दूंगी। ओह, मुझे यहाँ लड़की लानी चाहिए थी यार, कम से कम करने से पहले तो लड़की का कर लेता। इससे अच्छा हाथी रामा को बुला ले, उसके साथ सुना दे भी आएगी, फिर दोनों करेंगे यहाँ। अबे ओए, ये मिठाई की स्टोर है, यहाँ मैं रंडी खाना नहीं खोलना चाहता। पर तूने एक रंडी खाना खोला तो है। खोला तो है। ओए ओ भी तो। हाँ बोल। दो लड़के ऑर्डर करा दे। यहाँ ठीक है, करवाता हूँ। अगर हो सके तो रीन को भी बुला लेना यहाँ। अगर रीन आई तो ककासी भी आएगा। हाँ ककासी को भी बुला लियो। मेरे लिए कुछ जिंदा बस हो रहा, तुम कभी न। वैसे तू आया क्यों था यहाँ? वो मैं सुना दे के लिए मिठाइयाँ लेने आया था। तेरे को पता है सुना दे कौन सी मिठाई पसंद है? हाँ मैं उसका पति हूँ ना, तो मेरे को सब पता। सुना दे क्या पसंद है, सुना दे क्या पहनती है, सुना दे कहाँ करती है। करती तो मेरे साथ है। हाँ हकती है, कहाँ मुड़ती है, मेरे को सब पता है ना उसके बारे में। हाँसी रामा के बारे में तो सब पता है तेरे को। हाँ वैसे तो पता लगाना पड़ेगा, ये मेरा दोस्त जो है वो तो सुना दे उसकी पोती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लिया कर। ठीक है, उसका करता हूँ, फिर जानता हूँ उसे कि वो कैसी है, क्यों है, कहाँ है, मरती क्यों नहीं। ओह नो! चुपचाप बता कौन सी वो चाहिए बना निकाय। यहाँ डेयरी मिल्क का डब्बा दे दे, पकड़ और फिर शक्ल मत दिखाइयो। आदरा लड़कियाँ ऑन द वे है, क्या है कि उसे मैं अपने वे में बिठाऊंगा। हेलो साला, आधा ऊंची आ गया है। मैं भी तेरी मम्मी से बोलता हूँ, तेरी 100 सेंटीमीटर वाली परी आ गई मेरे बेड में। साले मैं तेरे भेड़ों में ना फायर साइड घुसा दूंगा, फिर तेरे भेड़ भसम कर दूंगा। मैं तेरी गांव में चिटोरी डाल दूंगा, फिर तेरी गांव जिंदगी भर चमकती रहेगी। उधर दिवाली में ना खुद खम्भे में लटक जाइए, बिजली का बिल बच जाएगा। साले तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, ज्यादा करता भी हूँ तेरी मम्मी के साथ बेड पे। मैं कोठे में करता हूँ तेरी मम्मी के साथ, अब बोल। और उसके बगल वाले रूम में पूरा कोठा तेरी मम्मी से करता, इंक्लूडिंग मी। बोले मादा इससे पंगा मत ले, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक। ठीक है, तू वैसे लेने क्या आया था यहाँ? तेरी माँ नो के लिए मिठाई। अच्छा वैसे तू मेरी माँ के लिए मिठाई क्यों ले रहा है? तेरी मम्मी मेरी बंदी है ना, तभी। अरे निकल यहाँ से। जा ही रहा हूँ तेरी मम्मी के पास। अरे चप्पल खाए मेरी। ओए वो भी तो चप्पल दे। पर तो मैं जूते पहन के आया हूँ। यही होता है जब लोगों के दिमाग में लड़कियाँ भर जाए। साले नीम के तट्टे जल्दी से वो जूते ही दे दे, मार उसको। पर वो तो भाग गया। तेरी नींद दे के भागा है वो, अब जाओ तभी से। मेरी साला किसी को काम पे लग दिया मैंने। हेलो कौन है? बेबी मादा कैसा है? जब से तुमसे मिला हूँ अच्छा ही हूँ मैं। अब मुझे सुना दे के लिए मिठाइयाँ चाहिए थी। एक काम करो, सुना दे को ये वाली मिठाई दो और मेरी मिठाई तुम लो। अबे इससे खून निकल रहा है। अरे वो खून नहीं, गुलाब जामुन है। इतने छोटे गुलाब जामुन? बड़े हो तो तकलीफ होती है ना। या मतलब बनाने वालों को तकलीफ होती है। ठीक है मैं चलता हूँ। बाय मादरा। अकेले अकेले जा रहे हो, हमको भी तो ले जाओ। मादरा आज मूड नहीं है मेरा, तो हमको ले जाओ, हम बना लेंगे। ठीक है चलो, पर घर में तो भी रामा है। साला तू भी रामा, साला उच्ची काम में पजामा घुसा लूंगा, उसी का घुसाऊंगा, देख लूंगा। चलते हैं हम पहले तुम्हारे घर में, या मेरा कोठा भी है वहाँ चलते हैं। ठीक है
चलते हैं हम लोग पार्टी करने। चलो। अबे तुम लोग चले जाओगे, मैं अकेले क्या करूंगा यहाँ, यहाँ तो कोई आएगा भी नहीं। मैं तो आऊंगा ना यहाँ, चलो थोड़ी की मेरे को मिठाई आ दो, या तुम्हें अपनी मिठाई आ दू मैं। ये क्यों आया यार, इतना सा नींद नहीं आ जाती, थोड़ा चल तो जाता है।